फ्लो स्विच को बाईपास कर दिया, उसमें क्या होगा कि चिलर चलता रहेगा, लेकिन क्या होगा कि उसमें आइस फ्रीजिंग का अलार्म आ जाएगा या फिर लो सुपर हीट का आ जाएगा, क्योंकि जब उसके अंदर ज़्यादा कूलिंग होगी तो सेक्शन उसका कम होगा और सेक्शन का टेम्परेचर कम होगा। तो स्क्रू कंप्रेसर में जो अक्सर ये वाले अलार्म आते रहते हैं। आज मैं आप लोगों को चिल्ड वाटर पंप के बारे में बताऊंगा। आप लोगों ने बहुत ही सुना होगा, जो कि बहुत सारे एचवीएसी चिलर सिस्टम में, चाहे वो यॉर्क का चिलर हो या ट्रेन का चिलर हो या कैरियर का चिलर हो या डाइकिन का किसी भी कंपनी का चिलर होगा, उसमें आपका ये चिल्ड वाटर पंप लगा हुआ होगा, चिल्ड वाटर लाइन जरूर होगा। जो आप देख रहे हैं ये वाटर का सर्कुलेशन होता है चिलर के थ्रू, इसलिए ये चिल्ड वाटर पंप लगाया जाता है। इसकी जानकारी सारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है कि क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे ऑपरेट होता है, अगर ये नहीं चलेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, चिलर में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि हो सकता है उन्हें ज़रूरत हो, उनकी हेल्प हो जाए। तो दोस्तों आज मैं शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ ये जो चिल्ड वाटर पंप है ये कितने भी एचपी का हो सकता है। 5 HP का होगा चिलर के टनेज के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से, और जो हमारा चिल्ड वाटर लाइन जो कितनी दूर में गया हुआ है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग 5 HP का हो सकता है, 7 HP का हो सकता है, 10 HP का हो सकता है। जितना आपका बड़ा यूनिट होगा, जितना बड़ा एरिया होगा, उतना बड़ा इसका कैपेसिटी होगा चिल्ड वाटर का। कहीं पे ये 2 पंप लगे होंगे, कहीं पे ये 3 लगे होंगे, कहीं पे 4, कहीं पे 10, कैपेसिटी के हिसाब से लगाया जाता है। तो अक्सर जैसे ही आप ये दो देख रहे हैं तो इसमें एक होता है सेकेंडरी पंप और एक होता है प्राइमरी पंप। वो जो वाटर कूल्ड चिलर जो होते हैं उसमें अक्सर लगे होते हैं, एयर कूल्ड में भी लगे हुए होते हैं। ज़्यादा दूर अगर हमको पानी लेके जाना है, चिल्ड वाटर लेके जाना है, तो उसके लिए प्राइमरी और सेकेंडरी यूज़ किया जाता है। ये जो हमारा पंप है ये क्या काम करता है कि चिलर के अंदर जो पानी सर्कुलेट होता है, जो कूलर होता है चिलर के अंदर, जो इवोपरेटर होता है, वहां से पानी को सर्कुलेट करता हुआ, बिल्डिंग में सर्कुलेट करता हुआ वापस लेता है चिलर के थ्रू, फिर देता है। इस तरीके से इसका वाटर सर्कुलेशन का काम होता है, ये बिल्डिंग में पानी को पहुंचाना और चिलर के अंदर से लेना और देना, यही सब काम होता है। मान लीजिए कि इसने बिल्डिंग के अंदर पुश किया, वापस कूलर में आया, चिलर में आया, फिर वापस इसने खींचा, फिर इसने फेंका, तो इस तरीके से ये वाटर का सर्कुलेशन करता है। और ये जरूरी है, अगर ये नहीं होगा चिल्ड वाटर पंप तो आपका चिलर ट्रिप करेगा, कोई सा भी चिलर हो, बार बार उस पर अलार्म आएगा, ट्रिप करेगा। किस वजह से? आइस फ्रीजिंग का अलार्म आएगा या फिर लो वाटर प्रेशर का आएगा, बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम आएगी। वो सुपर हीट का भी अलार्म उसमें आएगा, तो लो सुपर हीट इस तरीके से भी अलार्म उस पर देगा। अलग अलग चिलर में अलग अलग तरीके का अलार्म आ सकता है। तो इसके लिए सेंसर लगे हुए होते हैं, जो हमारा कूलर है, जो हमारा चिलर है, उसके अंदर जो इवोपरेटर होता है उस एरिया में सेंसर लगा हुआ होता है, एक फ्लो स्विच लगा हुआ होता है जिससे ये कंट्रोल होता है। मतलब इसका सेंस करता है कि पानी चल रहा है या नहीं चल रहा है, ज़्यादा ठंडा हो रहा है, अगर पानी का बहाव रुक जाएगा तो वहां से चिलर को अलार्म दे देगा, चिलर वहां पे फ्लो स्विच के अलार्म पे बंद हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपने फ्लो स्विच को बाईपास कर दिया, उसमें क्या होगा कि चिलर चलता रहेगा, लेकिन क्या होगा कि उसमें आइस फ्रीजिंग का अलार्म आ जाएगा या फिर लो सुपर हीट का आ जाएगा, क्योंकि जब उसके अंदर ज़्यादा कूलिंग होगी तो सेक्शन उसका कम होगा और सेक्शन का टेम्परेचर कम होगा। तो स्क्रू कंप्रेसर में जो अक्सर ये वाले अलार्म आते रहते हैं, इस तरह का आपको अलार्म आ सकता है। इसमें जो आप लोग देख रहे हैं, एक इसका जो लाइन है वो इनलेट लाइन है और एक आउटलेट लाइन है, ये सर्कुलेशन के लिए लगाया गया है। और इसमें एक इमरजेंसी स्विच भी दिया जाता है, मैं अपने दोस्त से कहूंगा वो दिखा दें, ये जो इमरजेंसी स्विच है यहाँ पे, ये इमरजेंसी स्विच वहां पर दिया गया है ताकि आप लोग को कभी कोई ऐसा खतरा लगे तो तुरंत वहां से पुश करें, इमरजेंसी में ये बंद हो जाए। तो इस तरीके से, और इसका एक पैनल होता है, वहां से मैनुअल ऑटो में हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये पैनल है इसका, पंप का भी और चिलर का भी इसमें है। तो चिलर का तो ऑन है ऑलरेडी, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, ये पंप का, हमारा पंप के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पंप 1 पंप 2, तो ये चिल्ड वाटर पंप का है। और यहाँ से देख ले, यहाँ पे ये स्विच होता है, ये ऑफ में है अभी, यहाँ पे ऑटो जाएगा, यहाँ पे हैंड जाएगा। अगर आप दोनों को ऑटो में करेंगे तो एक बार में एक पंप चलेगा उसका, और दोबारा फिर जब दूसरी बार अगर आप 1 करके चालू करेंगे तो फिर ये दूसरा पंप चेंज होगा, नहीं तो ऑटोमेटिक वो उसका जब टाइमिंग पूरा होगा तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा दूसरे पे। और अगर आपको हैंड पे चलाना है तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, एच पे करेंगे इधर हैंड पे मैनुअल पे, और यहाँ से ग्रीन बटन पुश करेंगे तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से इसका पैनल काम करता है पंप का। और जैसे यहाँ पे ये 2 पंप लगा हुआ है तो इसमें कभी कभी
इसको जो दो पंप लगा हुआ है तो इसमें एक पंप चलता है, एक स्टैंड बाई होता है। तो हमेशा जब आप देखेंगे तीन पंप होगा तो तीन पंप में दो चलेगा और एक स्टैंड बाई होगा। इमरजेंसी में कभी कभी खराब हो जाता है एक पंप, तो दूसरा पंप चालू कर देते हैं, उसका मेंटेनेंस हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो अक्सर जो साइट पे होता है वो इमरजेंसी के लिए एक पंप स्टैंड बाई या दो पंप स्टैंड बाई रखना चाहिए, और प्रेशर गेज इसमें लगा हुआ होता है ताकि प्रेशर देख सके कि हमारा जो इनलेट का प्रेशर है वो कितना है और आउटलेट का प्रेशर कितना है, मतलब प्रेशर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इसमें वही होते हैं जो आप लोग जानते हैं, अगर मैकेनिकल से हैं तो आप लोग समझते होंगे, इसके अंदर दो बैरिंग होते हैं, बीच में कपलिंग होता है, और बाकी इधर जो ये पंप एरिया है इसके अंदर जो पंप लगा हुआ था, जो पानी को, जो इंपेलर वगैरह लगे होते हैं पानी को शक करके फेंकने का काम करते हैं, और बीच में यहाँ पे कपलिंग लगा हुआ है ताकि जो पंप का जो शाफ्ट है वो दूसरा है और ये मोटर का शाफ्ट दूसरा है। जो हमारा ओपन टाइप कंप्रेसर होता था वो भी इस तरीके से चलता था। तो यहाँ पे ये कनेक्ट होता है कपलिंग के थ्रू और यहाँ से ये चलता है और वहां से पंप को घुमाता है, तो इसकी वजह से पानी का प्रेशर बनता है। तो पानी का प्रेशर अगर नहीं होगा तो आपको मैंने बता दिया कि बहुत सारे अलार्म इसमें आएंगे चिलर में, जो कि आपको आपके चिलर को नहीं चलने देंगे और आपका चिलर बंद हो जाएगा। किसी भी ब्रांड का चिलर हो, कोई भी हो, स्क्रू कंप्रेसर हो या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो, कोई सा भी कंप्रेसर हो, तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है चिलर के अंदर में। इसलिए हम लोगों को ये सब चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी पंप होता है, तो प्राइमरी पंप का क्या काम होता है कि जो बिल्डिंग से पानी आ रहा है उसको लेके चिलर के अंदर पुश करना, और चिलर के अंदर से फिर सेकेंडरी पंप पानी लेता है और उसको फिर बिल्डिंग के अंदर पुश करता है। तो इस तरीके से सेकेंडरी पंप भी काम करता है। तो कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा एक प्राइमरी अलग है, मतलब चार पांच पंप प्राइमरी के हैं या दो पंप प्राइमरी के हैं और सेकेंडरी के चार पांच हैं, अलग अलग तरीके का होगा। और प्राइमरी का हमेशा जो पंप होता है वो थोड़ा लो कैपेसिटी का होगा और जो सेकेंडरी पंप होगा वो हाई कैपेसिटी का होगा। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी बिल्डिंग में पुश करता है और जो प्राइमरी है वो बिल्डिंग से खींच के और कूलर के अंदर जो चिलर होता है उसमें पुश करता है। तो दो तरह का ये काम करता है। और इसमें जो वाल्व आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोगों को कभी इमरजेंसी आए, कुछ काम करना हो, तो चिल्ड वाटर लाइन में यहाँ पे वाल्व दिए गए हैं, बटरफ्लाई वाल्व जो है। यहाँ पे आप लोग देखें ये दो जो हमारे वाल्व लगे हुए हैं, एक इनलेट में है, एक आउटलेट में है। आप लोग इसको क्लोज कर सकते हैं और कुछ भी काम कर सकते हैं। कभी इसके पंप में इशू आएगा तो उसको भी आप लोग ठीक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें क्योंकि हो सकता है उनको भी इसकी ज़रूरत हो। और मेरे चैनल पे बहुत सारे मैं वीडियो जॉब से रिलेटेड भी बनाता हूँ, अगर आप लोग वहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है और इंटरव्यू के लिए भी बना के रखा है कि HVAC का इंटरव्यू या चिलर का इंटरव्यू अगर देने जाते हैं आप लोग, तो उसमें इजिली आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे। और थ्योरी के भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जो कि प्लेलिस्ट थ्योरी का अलग है और जो हमारा प्रैक्टिकल है उसका मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखा है ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। तो जो HVAC है, जो चिलर है या पैकेज AC है या इलेक्ट्रिकल है, इन सब के बारे में जो भी है, मतलब टेक्निकल, वो सारे वीडियोस आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।